आज के टाइम में सुजुकी ग्लोबल लेवल पर वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अफोर्डेबल कार्स की लार्ज रेंज के साथ ही सुजुकी हायाबुसा और GSX R जैसी सुपर स्पोर्ट बाइक्स भी कॉमन लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। हेलो राइडर्स, ये है द ड्रूटर शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजुकी कंपनी की इंस्पायरिंग स्टोरी और इनकी मोटरसाइकिल्स के एवोल्यूशन के बारे में। साथ ही एंड में हम सुजुकी MotoGP टीम की जर्नी और अचीवमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज हम कार्स और मोटरसाइकिल्स बनाने वाली जिस सुजुकी कंपनी को जानते हैं उसके फाउंडर थे मिशियो सुजुकी। मिशियो बचपन से ही काफी टैलेंटेड और मेहनती थे। 14 साल की एज में मिशियो कारपेंटर का काम किया करते थे जिसमें वो काफी अच्छे थे। 21 साल की एज में मिशियो को उनकी फैमिली का ट्रेडिशनल लूमिंग बिजनेस सौंपा गया जिसे उन्होंने अपग्रेड करके सुजुकी लूमिंग वर्क्स नाम की कंपनी बनाई। एक स्किल्ड कारपेंटर होने की वजह से मिशियो ने कपड़े बुनने वाली लूमिंग मशीन में कई इनोवेशंस किए जिसकी हेल्प से कपड़ों का प्रोडक्शन 10 गुना तेज हो गया। कपड़ों के साथ साथ सुजुकी लूमिंग मशीन्स का बिजनेस भी करने लगी जिससे उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने तक सुजुकी का लूमिंग बिजनेस अच्छी तरह चलता रहा, पर वॉर के बाद इस बिजनेस को काफी लॉस झेलना पड़ रहा था। इसीलिए 1991 में सुजुकी ने पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए पावर फ्री को लॉन्च किया जो बेसिकली एक इंजन पावर्ड बाइसिकल थी और यहीं से सुजुकी कंपनी की ऑटोमोटिव जर्नी स्टार्ट हुई। सस्ती और इफेक्टिव होने की वजह से सुजुकी पावरफ्री जापानीज मार्केट में हिट रही, लेकिन टू व्हीलर इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने के लिए सुजुकी को इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत थी। बेटर इंजन, मजबूत फ्रेम और इम्प्रूव डिजाइन के साथ 1955 में सुजुकी ने कोलिडा को लॉन्च किया। सुजुकी कंपनी की पहली मोटरसाइकिल पावरफ्री के कंपैरिजन में कोलिडा ज्यादा पावरफुल और मजबूत थी। इसमें 90cc का इंजन लगा था जो 4 HP की पावर प्रोड्यूस करता था। कोलिडा के बाद अगले कुछ सालों तक सुजुकी ने अपनी बाइक की टेक्नोलॉजी में काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए और रेसिंग की दुनिया में भी एंट्री ली। 1962 की आइल ऑफ मैन TT चैंपियनशिप जीतकर सुजुकी ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम बनाया जिससे उनके टू व्हीलर बिजनेस को भी काफी फायदा हुआ। इसके बाद 1965 में सुजुकी ने T20 को लॉन्च किया जो 247cc 2-stroke 2-cylinder इंजन वाली मोटरसाइकिल थी। ये दुनिया की पहली 6-speed ट्रांसमिशन वाली बाइक थी और इसकी टॉप स्पीड थी 90 miles per hour यानी कि लगभग 145 km/h। इसके बाद 1971 में आई GT750 भी काफी यूनिक थी क्योंकि इसमें 339cc 2-stroke 3-cylinder इंजन के साथ वाटर कूलिंग सिस्टम यूज किया गया था जिसकी वजह से इस बाइक का निकनेम वाटर बफेलो पड़ा। ज्यादातर 2-stroke इंजन वाली मोटरसाइकिल्स बनाने के बाद 1976 में सुजुकी ने अपनी पहली 4-stroke 4-cylinder इंजन वाली GS750 को लॉन्च किया। डुअल क्रेडल फ्रेम पर बनी इस बाइक की हैंडलिंग अपने टाइम की दूसरी बाइक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छी थी। मार्केट में कस्टमर्स के अच्छे रिस्पांस के बाद सुजुकी ने इस बाइक पर बेस्ड रेसिंग बाइक भी डेवलप की जिससे 1978 डेटोना सुपर बाइक रेस और 1979 की AMA सुपर बाइक नेशनल चैंपियनशिप जैसी रेस जीती गई। इस सक्सेस के बीच 1978 में सुजुकी ने अपनी पहली लीटर क्लास मोटरसाइकिल GS1000E को भी लॉन्च किया। 987cc 4-stroke ट्रांसवर्स 4-cylinder इंजन के साथ ये बाइक 90 HP की मैक्सिमम पावर और 83 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। सॉलिड स्विंग आर्म, 37mm फ्रंट फोक्स और बेटर स्टीयरिंग हेड सपोर्ट के साथ ये बाइक हाई स्पीड पर काफी स्टेबल और इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देती थी। GS1000E मेनली अमेरिकन मार्केट के लिए बनी थी। इस बाइक को जापान में लॉन्च नहीं किया गया था क्योंकि उस समय जापान में 1000cc सेगमेंट बाइक्स इनलीगल थी। 1981 में सुजुकी ने BMW के एक्स चीफ ऑफ स्टाइलिंग हांस म्यूथ के सजेशन पर स्पेशली जर्मन मार्केट के लिए एक स्ट्रीट स्पोर्ट बाइक डेवलप की जिसका नाम रखा गया कटाना। फेमस जापानी स्वॉट कटाना की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड इस बाइक में 1074cc का 16-valve 4-cylinder इंजन लगा था जो 111 bhp की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता था। जर्मनी में मोटरसाइकिल फैंस के बीच काफी पॉपुलर होने के बाद सुजुकी कटाना दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सक्सेसफुल रही। GS1000E और GSX1100 कटाना के साथ सुजुकी ने इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मार्केट पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला, लेकिन लेट 1980s में फुल फेयरिंग वाली स्पोर्ट बाइक्स का ट्रेंड शुरू हो चुका था और GSX R1100 के साथ सुजुकी ने भी इस सेगमेंट में एंट्री ले ली।
1986 में लॉन्च हुई GSX-R 1100 मार्केट में अवेलेबल मोस्ट पावरफुल एंड कूल लुकिंग बाइक्स में से थी, जिसे 80s एरा के राइडर्स ने काफी पसंद किया। समय के साथ इस बाइक में डिफरेंट एडजस्टमेंट्स किए गए, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती चली गई। अपनी पहली रीटेल क्लास बाइक GS1000E के बाद कटाना और GSX-R 1100 में सुजुकी ने काफी बड़े डिस्प्लेसमेंट का इंजन यूज किया था, लेकिन आगे चलकर सुजुकी ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए बैंडेड 1200 को लॉन्च किया, जिसमें 1255 सीसी का DOHC इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन लगा था। लेट 90s में होंडा ब्लैकबर्ड जैसी सुपरफास्ट बाइक्स के साथ मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स के बीच स्पीड की एक रेस शुरू हो गई थी, जो फाइनली सुजुकी ने जीती अपनी लेजेंडरी हायाबुसा के साथ। 1999 में लॉन्च हुई सुजुकी हायाबुसा 312 किलोमीटर की टॉप स्पीड के साथ दुनिया की फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल बनी। हायाबुसा अपनी पावर और स्पीड के लिए इतनी पॉपुलर हुई कि इसे यूरोप में सेफ्टी रेगुलेशंस के लिए खतरा बताकर बैन कर दिया गया, पर फाइनली कुछ टाइम के बाद इस बैन को हटा लिया गया। स्पोर्ट बाइक लवर्स और मोटरसाइकिल फैंस के बीच हायाबुसा आज भी काफी पॉपुलर है, पर अपने हैवी वेट और बल्की डिजाइन की वजह से ये बाइक सुपर स्पोर्ट कैटेगरी में फिट नहीं बैठती है। मॉडर्न सुपर स्पोर्ट कैटेगरी में सुजुकी को रिप्रेजेंट करने वाली बाइक है GSX-R 1000, जो लॉन्च हुई थी 2001 में। पुरानी GSX-R 1100 पर बेस्ड इस मॉडर्न सुपर स्पोर्ट बाइक में सुजुकी ने 988 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन यूज किया है। 2003 के फर्स्ट अपडेट में इस बाइक की स्टाइलिंग को काफी इम्प्रूव किया गया। न्यू हेडलाइट और इम्प्रूव फेयरिंग के साथ अब ये बाइक पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न हो गई। इसके बाद 2005 और 2007 में भी GSX-R 1000 के डिजाइन और इंजन में कई इम्प्रूवमेंट्स किए गए। फाइनली 2017 में ऑल न्यू 999 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, न्यू डिजाइन और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स के साथ GSX-R 1000 को अपग्रेड किया गया। 199 bhp की मैक्सिमम पावर, 117 न्यूटन मीटर टॉर्क और 202 किलोग्राम कर्ब वेट के साथ सुजुकी GSX-R 1000 एक हाई परफॉर्मेंस सुपर स्पोर्ट मशीन है। इस बाइक की डेवलपमेंट में सुजुकी मोटोजीपी टीम सुजुकी एक्सटार का भी काफी इम्पोर्टेंट रोल है। 1974 से ही सुजुकी मोटोजीपी रेसिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा, जिसकी वजह से कंपनी की टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ साथ चैंपियनशिप विन से काफी पब्लिसिटी भी हुई। 1976, 1977, 1993 और सन 2000 में चैंपियनशिप टाइटल्स जीतने के बाद 21st सेंचुरी में सुजुकी एक्सटार टीम काफी अनलकी रही। कई सालों तक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद 2011 में सुजुकी ने मोटोजीपी रेसिंग क्विट कर दी, लेकिन फिर 2013 में ही उन्होंने कमबैक किया और कड़ी मेहनत के बाद 2020 चैंपियनशिप जीतने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन अब 2022 में सुजुकी ने एक बार फिर मोटोजीपी रेसिंग से विड्रॉ कर लिया है। करंटली सुजुकी की GSX-R सीरीज में 150 से लेकर 1000 सीसी सेगमेंट की बाइक्स अवेलेबल हैं, जो अपनी सुपर फास्ट परफॉर्मेंस और सिग्नेचर स्टाइलिंग के लिए पूरी दुनिया में एडमायर की जाती हैं। पर सैडली भारत में GSX-R 150 अवेलेबल नहीं है। इसकी जगह सुजुकी भारत में जिक्सर SF155 और SF250 ऑफर करता है, जो ओवरऑल अच्छी बाइक्स हैं। पर GSX-R 150 जो कि इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसी एशियन कंट्रीज में अवेलेबल हैं, उसे भारत में यामाहा R15 के अगेंस्ट प्लेस करना ज्यादा बेटर होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बाइक के भारत में लॉन्च होने के चांसेस काफी कम हैं। अगर फिलीपींस की तरह ये बाइक भारत में लॉन्च होती है तो इसकी प्राइस होगी लगभग 2,40,000 रुपए, और शायद यही रीजन है कि सुजुकी भारत में इसे लॉन्च नहीं करेगा। सुजुकी मोटरसाइकिल्स की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody, I could have played the fucking great.